तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे ऑनलाइन ही अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आएंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो आप लोग आई बटन पर वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप लोग इस एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आपको इस इंटरफेस दिखता है। अब आप लोगों को टॉप राइट साइड में लॉगिन का बटन दिखता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक कर लेते हैं आप लोग चाहें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर 6 डिजिट की एमपिन जो आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाए हुए होते हैं उसको पुट करके आप लोग इसमें इंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आप लोगों को रिकरिंग डिपॉजिट आरडी ओपन करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन एक दिख रहा है FD/RD सेकेंड ऑप्शन है, इसी पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर चले जाता है और आप लोगों को यहाँ पर एक टेन्योर आप लोगों को दिख जाता है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सिस्टम डाउन है क्योंकि 31 मार्च चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिस्टम थोड़ा डाउन है, सिस्टम इशू चल रहा है फिक्स डिपॉजिट के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर आप लोगों को आपको रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना है तो यहाँ पर आप लोगों को रिकरिंग डिपॉजिट पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोगों को टेन्योर दिखा रहा है कितने टाइम के लिए और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को भी या फिर आप लोग चाहें तो अपना टेन्योर खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है व्यू इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करके आप लोग इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, पूरा चार्ट देख पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इंटर योर ओन टेन्योर पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपना अमाउंट फिल कर सकते हो कि जितने अमाउंट की आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 5000 रुपीज लिख चुके हैं। सो आप लोग जितना अमाउंट के रिकरिंग डिपॉजिट चालू करना चाहते हैं सो आप लोग यहाँ पर अमाउंट पुट कर सकते हैं। इतना ही अमाउंट आपके हर महीने आपके डेबिट होंगे इस अकाउंट से। यहाँ पर आप लोग टेन्योर में आप लोगों को जितने टाइम के लिए करना है, जितने ईयर के लिए, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है 27th of each month। यहाँ बताया जा रहा है कि आप लोगों के हर मंथ के 27 तारीख को आप लोगों की ये रिकरिंग डिपॉजिट का 5000 अमाउंट डेबिट होता जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हम डेट चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को जिस टेन्योर के लिए आप लोगों ने आरडी ओपन करने की सोच रहे हैं सो यहाँ पर आप लोगों को उस टेन्योर का आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप लोग चाहें तो नॉमिनी डिटेल में आप लोग चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आरडी निकनेम में आप लोग अपनी आरडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कोई भी नेम पुट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड में आप लोग चाहें तो किसी एम्प्लॉय का कोड जो कि एक्सिस बैंक में काम कर रहा है उसको यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बुक आरडी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को 6 डिजिट की एमपिन यहाँ पर पुट कर लेना होगा। इसके बाद आप लोगों की आरडी ओपन हो जाएगा एक्सिस बैंक अकाउंट में। फिलहाल हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है सो हम यहाँ पर दोबारा प्रोसेस नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर इसको ओपन करना है रिकरिंग डिपॉजिट को सो आप लोग ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से एक्सिस बैंक में आप लोग आरडी ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।